आराम से आराम। अरे रोकनी नहीं है, लगेगी 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 लगेगी। सो इट्स अ सेकंड डे टुडे, फर्स्ट डे मैंने मैम को थोड़ा बहुत क्लच का बताया था, चलो आप चलते रहो क्लच और ब्रेक का, आज थोड़ा सा रोड पे प्रैक्टिस करते हैं, खाली जो है रोड है थोड़ा, टाइम भी सही है, तो मैं इनको बता देता हूँ। बाकी इंडिकेटर ऑफ कर दो, नहीं अब वो वाला हो गया। हाँ इतना धीरे नहीं, ठीक है, जब तक आप एक थोड़ा स्पीड अटेन करो उसी लेन में चलो, जब स्पीड आ जाए इसके लायक तो अपना सेकंड में आ जाओ, सेकंड लेन मतलब। हाँ गियर चेंज करते हो, आवाज से पता लगा ले रहे हो, है ना? हाँ। सही बात है, चलो। पर मेरा स्पीड अभी भी मतलब थोड़ी कमी रखती हूँ मैं। नहीं ठीक भी है, देखो अभी आप देखोगे ना अभी फिर आवाज कर रही है, तो तीसरा तो तीसरा तो लगाना चाहिए। हाँ। तीसरे गियर तक तो लगाओ, देखो ये होता है, और आपकी बात सही है कि स्पीड उतना ही चलाओ जितना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एक गियर थोड़ा सा आराम से शिफ्ट करने है। मेरे लिए उस पर सारी बस आ रही है, सारी बस आ रही है, ट्रक बस उस लेन में वाली। अच्छा उस वाली साइड। चलो कोई नहीं, ठीक है चलाऊंगी जब। चलाना तो देखो इन पे ही, आपको जैसे हाईवेज पे चलानी है गाड़ी, ज्यादा ट्रिप्स हाँ। मारोगे तो यही सब तो है वहाँ पे। कल मैं जब रात में चलाया ना मुझे फील हुआ कि हाँ ठीक है आई कैन ड्राइव, एटलीस्ट मैं हॉस्पिटल तक जरूर पड़ेगी जा सकती हूँ। वैसे सबसे कैब नहीं करनी पड़ेगी। हाँ कैब नहीं कर, और डिपेंडेंट मतलब ऑब्वियसली किसी पे नहीं होना है, क्योंकि मेडिकल केस में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, टाइमिंग। अगर लेट आए फिर तो गए, ये वाला यू टर्न लेंगे, और अभी से मिरर में देखो नहीं आ रहा ना, नीचे दबा के इंडिकेटर दो नीचे की तरफ, और राइट कवर करना शुरू करो, और क्लच दबा के एक इसको लगा लो, फर्स्ट गियर में लगा लो। चलो थोड़ा सा स्लो होके, स्लो होके। क्यों ये ब्रेक का है थोड़ा? आप घुमाना शुरू करो मिरर निकलने के बाद, इधर देख के लेफ्ट में, ठीक है। हाँ चलो फिर। हाँ मिरर कुछ कह रहे थे, अब देखो आप ना मैंने बीच में काटी है, ठीक है ये ठीक है बिल्कुल, थोड़ा सा दूर है वैसे, है ना? कोशिश ये करी जाती है कि डिवाइडर के जितना नजदीक हो सकता है वहां ले लो। एक यू टर्न मैं आपको लेके दिखा दूंगा, ठीक है? देखा आपने आवाज की गाड़ी में? हाँ यू टर्न का है थोड़ा सा पंगा भी। एक बार एक काम करो आप लेफ्ट में लगाओ, मैं बताता हूँ। डिवाइडर के साथ साथ लेके गए अपनी लेन में, ठीक है? ठीक है फर्स्ट गियर में कर लिया करो, अगर मान लो ब्रेकर वगैरह, तो अब आपको कब, एक तो डिवाइडर से ये वाले डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है, और जब आपको मिरर ये कॉर्नर को क्रॉस कर जाए ना तब घुमाना शुरू कर दो ऐसे, उधर देखते देखते कुछ आ रहा है तो रुक जाओ, और फिर फुल स्टीयरिंग, देखो फुल घुमाया हुआ है, ठीक है, और यू टर्न लेने के बाद थोड़ा सा तेज, क्योंकि जहाँ आपने यू टर्न लिया ना उसके पीछे से गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, तो वो आपका इतना वेट नहीं करेंगे कि आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो स्पीड, ठीक है। एक और लेके दिखाता हूँ, लाइन से दूर हो रहा थोड़ी, मिरर निकला फिर भी पीछे देखते देखते मिरर में, और तेज थोड़ा, ठीक है इतना चलता है, और अब लगातार चलाते रहिएगा सीखने के बाद ना, क्योंकि वो टाइम पैसा दोनों वेस्ट होंगे अगर आपने अभी वापस छोड़ी तो। चलो सेकंड लगा दो, गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टू सेकंड ना ऐसा सेंटर में लाके छोड़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट है हथेली अड़ाई सीधा पीछे ले आओ सटा के एकदम, ठीक है, थर्ड लगाओ, ठीक था। चलो पहले से ट्रैफिक लाइट्स का बता दूं थोड़ा, लेफ्ट इज 99% ओपन, रेड लाइट भी है स्टिल यू कैन गो लेफ्ट, आप स्ट्रेट नहीं जा सकते, आप राइट नहीं जा सकते, आप यू टर्न नहीं ले सकते अगर रेड है, ठीक है, और सीधे जाना है तो बीच वाले लेन में रोकना, राइट लेना है तो राइट वाले लेन में रोकना, धीरे धीरे निकालना आराम से फर्स्ट गियर रोक के। हाँ आराम आराम से, थोड़ा कॉर्नर उधर देख, आपकी तरफ लो, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ, अब मेरी तरफ, इधर 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 इधर, ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी, जिस गाड़ी के नज़दीक थोड़ा जाते हो ना विंडो से उस गाड़ी को देखा करो कि यार ये कितना गैप है, मिरर मिरर टच कर रहेगा, मिरर नहीं टच कर रहा है तो गाड़ी भी टच नहीं करेगी, ठीक है। चलो अभी उधर को अप्रोच कर रहे हो, ज़्यादा उधर नहीं, सेंटर में ले आ सकते हो, लेफ्ट सबसे सेफ है, सेंटर में चलाओ तो ठीक है, मतलब एक बार जब स्लो स्पीड पे रहते हो तो, क्योंकि आपने फर्स्ट से फर्स्ट ही लगा दिया वापस, फोर्थ है क्या ऐसे, हाँ ऐसे करके थोड़ा सा रेस दे के। हाँ गियर का बड़ा वो हो रहा है ना। चलो मैं बताता हूँ, एक रोक के न्यूट्रल कर दो, क्लच दबा लो पूरी, और छोड़ना मत, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्लच दबी हुई है ना, फर्स्ट लेफ्ट हैंड लगाओ, ऊपर लगाओ, सपोज फर्स्ट में है, आप सेकंड मुझे लगा के बताना कैसे लगाते हो,
अब तो मैं आराम से लगाऊंगी। नहीं ये गलत है। गलत है हाँ, जैसे अभी न्यूट्रल है। हाँ। लेफ्ट हैंड लगाओ, आप जोर मत लगाना, मैं शिफ्ट करूंगा, बस हथेली रखो फर्स्ट में है। हाँ। सेकंड अगर करना है तो सटा के पूरा इधर जोर लगा के ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट टू सेकंड एकदम स्ट्रेट है, तो अगर फर्स्ट में है तो आपको इधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बीच में ही पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। ये स्ट्रेट लाइन, ये जितने भी पॉइंट्स है बीच में सारे न्यूट्रल के हैं। तो अगर फर्स्ट है सेकंड आना है, हथेली से जोर लगा के सेकंड। हाँ बिल्कुल करो, फर्स्ट में है जैसे, अभी सेकंड लगाना हो तो जोर लगाओ हथेली से मेरी तरफ लेफ्ट में, नहीं वापस करो, नहीं 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 जोर नहीं लगा रहे हो हथेली से, ज्यादा तेज नहीं मतलब, पर पुश करना है लीवर को, उधर आने नहीं देना आपकी तरफ। अच्छा ओके, करो यस ऐसे करना है, करो धीरे, ऐसा झटके से जैसे प्लस दबी हुई ना, ऐसे नहीं करना है, जोर से नहीं मारना है, लेकिन ऐसे ही लाना है, ठीक है। जोर से शिफ्ट मत करो, लेकिन तरीका यही है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और थर्ड आप क्या करते हो, जैसे लोग और भी करते टेढ़ा मार देते हैं ऐसे, वो गलत है, क्योंकि इसका तरीका कोई टेढ़ी डायगोनल थोड़ी बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको क्या करना है सेकंड में, ऐसे ठीक है, प्रॉपर ऐसे लाइन बना के टेढ़ा। मैं मानता हूँ लोग करते हैं, लेकिन मत करो अगर वो नहीं मान लो नहीं करना है। थर्ड से फोर्थ कैसे आओगे, एकदम स्ट्रेट लाइन, यहाँ से सिक्स्थ गियर कैसे लगाओगे, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी फर्स्ट लगाओ, और जैसे मैंने सेकंड बताया वो एक बार लगा के बताओ, फिर चलेंगे। हाँ सेकंड लगाओ, हथेली लगाओ इधर से, यस एग्जैक्टली, ये भी इस पे काम करना पड़ेगा। हाँ इस पे काम करो, और इंडिकेटर का भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेयरिंग आपको, आप राइट टर्न लेते हो, स्टेयरिंग किस तरफ घुमाते हो, तो लीवर भी ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। लेफ्ट घुमाते हैं तो स्टेयरिंग कैसे जाता है, तो लीवर भी ऐसे ही ऊपर आएगा। रिलेट करो चीज़ों को, ठीक है, ऐसे याद होते हैं। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाए गाड़ी की, उतना ही आपकी नज़र तेज़ होनी चाहिए रोड के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हो तो उसको कंट्रोल भी करना है हमें, और कंट्रोल तभी करोगे जब रोड का आइडिया रहेगा कि किधर क्या कुछ आ रहा है। मैं तो यहीं से देख लेता हूँ आगे कितना क्या रोड है, कोई गाड़ी खड़ी है क्या, जितना देख सकते हो ना दूर का, उतना दूर तक का देखा करो आप। हाँ सही है, स्पीड कम हुई थी क्योंकि, कोशिश करो डाउन ही ना करो, अगर हो गई है तो गियर डाउन कर दो एक। और ये भी आपने बहुत सही करा कि सिर्फ एक ही डाउन करा है, क्योंकि आपको स्पीड का आइडिया है कि कितनी स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग गियर कौन सा है। अभी कुछ नहीं है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के फोर्थ लगा दो वापस, नहीं नहीं उधर ही, स्टेयरिंग टाइट होल्ड करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, मुझे पाँच। हाँ ये वाला यू टर्न ले लें फिर, इंडिकेटर दे दो नीचे की तरफ। हाँ क्लच दबा लो, लेकिन शिफ्ट नज़दीक जाके किया करो हमेशा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो करके। चलो चलो छोड़ो, हाँ इधर भी देखो देखो गाड़ी आ रही है, स्लो लो यहाँ पे थोड़ा, फर्स्ट गियर लगाओ, बंद ही कर दो मैंने। कोई नहीं चलो चलो चलो, गाड़ी ज़्यादा पीछे भी नहीं रोकनी है, ठीक है, क्योंकि पीछे से थोड़ा रेस छोड़ो, रेस दे के क्लच छोड़ो। हाँ सही है सही है सही है, देखो इधर भी देखो, चलो चलो। हाँ ऐसे रुको, हॉर्न कोई दे रहा है जोर से, गाड़ी जोर से तेज आ रही है तो वो आएगा पहले, ठीक है। चलो थोड़ा तेज चलो अब, क्योंकि पीछे से आराम से आ रहा, अरे रोकनी नहीं है, रोकनी नहीं है, ठीक है। तेज का मतलब है स्टीयरिंग सीधा करने के बाद, पहले नहीं, ठीक है। इतनी तेज आई थी क्योंकि थर्ड, थोड़ा लेफ्ट में आना, थोड़ा सा मेरी तरफ, थोड़ा मेरी तरफ, भाई कौन है, गाड़ी है, बस है, मेरी तरफ आओ थोड़ा। ये चलो साइकिल वाले है ना, हाँ कोई नहीं, स्लो करो, स्लो करो गाड़ी, रोको रोको भाई यहीं पे, नज़दीक नहीं, ज़्यादा नज़दीक नहीं, ठीक है कोई नहीं, काम डाउन, टेक योर टाइम। स्टेयरिंग सीधा होगा ना, उसके बाद तेज चलानी है, ताकि अगर क्या होगा, अगर आपने स्टेयरिंग घुमाए घुमाए में तेज कर दी तो डिवाइडर में ठुक जाएगी। पहले गाड़ी सीधी करो, फिर तेज चलानी है, ठीक है, सही लग रहा है। हाँ ठीक है, मतलब ये गलती होगी, कोई नहीं, करके तो सीखोगे कि दोबारा नहीं करनी। मैं तो अभी तक करता हूँ, मेरे को ये लगता है कोई और ना
किसी और को ना लग जाए वो लगे तो क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, चलो अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गियर चेंज करिए। हाँ हाँ उतर रहे थे, नॉर्मल है। देखो अगर गिल्ट मन में ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो नुकसान है। बस हाँ इतना जरूर सोचो कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं तो अभी तक करता हूँ, मेरे को 12 साल हो गए, गलतियाँ करता हूँ अभी भी, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं रिपीट ना करूँ। वो जैसे मैं भी बार बार बोल रहा था ना, इस वजह से भी होता है, लेकिन मैं भी इसीलिए बोल रहा था कि पीछे से व्हीकल आ रहा है तो हम ज्यादा स्लो नहीं रख सकते यहाँ पे। स्लो करोगे तो पीछे से और नहीं कर देंगे। हाँ घुमाना शुरू, पूरा 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 पूरा, और इधर देख के स्टीयरिंग सीधा होगा ना, उसके बाद गाड़ी तेज करनी है। थोड़ा सा तेज दो, सीधा होना शुरू हो गई, अब रेस दे सकते हो। ठीक है ताकि अगर भाग भी रही है तो सीधी भागेगी। ठीक है हाँ टेढ़े में नहीं, या जैसे हम है हम टेढ़े में कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आपको वो रिस्क नहीं लेना है। हल्का सा रेस छोड़ के हल्का सा ब्रेक ले लो, रेस वापस दे दो, हॉर्न दे के राइट, ये लगेगी 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 लगेगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मिरर में लगातार देखते रहो। स्लो बस क्यों चलती है इतनी स्लो? जो भी आप, अगर आपको किसी से साइड लेनी है ना तो हाँ। गैप पे लिया करो, जैसे पैदल वालों के एकदम नजदीक आ गए हाँ। उनसे बचाने के लिए मैंने राइट में करवाई तो राइट में बस आ गई। ठीक है तो, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ओवरटेक तो एटलीस्ट स्लो डाउन कर लो वहीं पे। हाँ ब्रेक लगा लो, हड़बड़ी में इधर उधर नहीं मारनी है गाड़ी। ठीक है आप लेफ्ट में इंडिकेटर देखे ऊपर की तरफ, हाँ इधर देख के चलो। उसने स्लो कर ली ना बाइक, ऐसे गाड़ियों की स्पीड ऑब्जर्व करनी पड़ती है, अगर तो उसकी तेज है तो वो जाएगा। ओ, इसने हमसे आगे ही निकाल लिया, वो हर्ट हो गया ना उसके फीलिंग्स। वैसे ये लड़कों में रहता है, मतलब अगर हम चला रहे देख लिया ना कि लड़की ने ओवरटेक कर लिया तो उसको फिर कुछ भी करना पड़े वो निकालेगा गाड़ी एक बार तो आगे। धीरे धीरे ना घुसो ट्रैफिक में, अंदाज होगा, प्रैक्टिस होगी, बार बार पैर दबाओगे, मान लो क्लच ब्रेक एक्सेलेटर, तो पैरों को आदत पड़ती है। क्योंकि देखो अगर जिस दिन आपको गाड़ी आ गई ना, आप भी नहीं रुकोगे किसी के लिए, आप भी हॉर्न मारोगे कि हटो मेरे सामने से। तो टाइम आज के टाइम किसी के पास नहीं है। जब गियर चेंज करते हो ना तो राइट हैंड को फर्मली वहीं रखो, घूमने मत दो साथ को। ठीक है ऐसे कंट्रोल करना स्टीयरिंग। मेरे से जब मैं सीख रहा था गाड़ी, मेरे से पांचवा गियर ही नहीं लगता था, और जब तक लगता था स्पीड कम आ जाती थी, फिर वो चलती नहीं थी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। नहीं मुझे उसी में दिक्कत आती थी, लगता ही नहीं था मेरे से, ओल्टो थी। मैं तो पता नहीं कभी लगा पाऊंगी पांचवा गियर। कल लगा देंगे।